बिना हरे पर्दे के भी आप ग्रीन स्क्रीन बना सकते हैं। कैसे? चुटकी बजाएंगे, ग्रीन स्क्रीन पाएंगे। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन, हरा पर्दा लगाते हैं जब आपका बैकग्राउंड हटता है, जैसे कि जी आप मेरा पीछे देख पा रहे हैं इस प्रकार। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना हरे पर्दे के भी आप ग्रीन स्क्रीन बना सकते हैं। कैसे? चुटकी बजाएंगे, ग्रीन स्क्रीन पाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, मेरी ये ग्रीन स्क्रीन हो चुकी है और मैं जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया और ग्रीन स्क्रीन हो गई। तो इस टाइप की एडिटिंग आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से काइन मास्टर से, स्टेप बाय स्टेप। 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हरा पर्दा चाहिए, जे कहिए, गरीब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। काइन मास्टर फ्री में अपलोड हो जाता है, फ्री में आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं पता तो बहुत वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर वो, और आप अगर वीडियो एडिटर हैं तो आपको पता होगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिना ग्रीन पर्दे के, बिना हरे पर्दे के भी आप अपनी स्क्रीन हटा सकते हैं और मनचा स्क्रीन जो बैकग्राउंड है मनचा है लगा सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पे ले जाके काइन मास्टर में सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, शायद यूट्यूब की हिस्ट्री बदल देगी ये वीडियो, क्योंकि पहले ही ऐसा वीडियो मैं बना के ला रहा हूं। और काइन मास्टर आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बस यही मेरी आपसे कामना है, मैं आपको सिखा के ही दम लूँगा बड़ी आसानी से। तो आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, जी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर। अब हम आपको बताते हैं कैसे बैकग्राउंड हटाना है। तो काइन मास्टर सबसे पहले ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको चले जाना है। इस पे जैसे ही जाएंगे तो 16:9 रेशो आपको ले लेना। मैं एक एक स्टेप ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 16:9 रेशो लेने के बाद जो क्रिएट का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या करना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको बैकग्राउंड हटाने के लिए सबसे पहले आपको जो आप बैकग्राउंड डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे बैकग्राउंड डाउनलोड करके कुछ रखे हुए हैं, मैं वो बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एक क्रोस का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाना है और इसको आप जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहते हैं उतना इसको ड्रैग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इसके बाद इस पर आना है, ये पिक्चर पूरी सेट नहीं हो रही तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जो जूम का ऑप्शन दिख रहा है, पैन एंड जूम, इस पर चले जाना है। और जो दो लाइन दिख रही है इस पर चले जाना है। इस पर जैसे जाएंगे तो फिर जो पिक्चर पे आके इसको दोनों उंगलियों की सहायता से इसको पूरी सेट कर लेना है दोस्तों। अब जैसे आप देख सकते हैं परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अब सिंपली जो लेयर वाला ऑप्शन है इस पर जाना है दोस्तों। और जो भी, और फिर लेयर के बाद जाने के बाद मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जैसे ही जाएंगे तो हम कैमरे में जो हमने कैमरा से वीडियो बनाई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हमको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो मैंने जो वीडियो बनाई हुई है वो सिलेक्ट कर लेना है और जो वापस चले जाना है और इसको ड्रैग कर देना है, ये बड़ी कर देना है दोस्तों। आप ध्यान से सुनिएगा, जो एक काम करना है स्किप मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपको ये जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है आपके काइन मास्टर में इजीली मिल जाएगा, इस पर चले जाना है। और इस पर आने के बाद जो ऑफ के बगल में जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन जो आ रहा है, पूरी स्क्रीन ऑफ के बगल वाला, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वापस आ जाना है। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन इस तरह से सेट हो गई है, देख सकते हैं दोस्तों आप, इस तरह से सेट हो चुकी है। अब आपको वापस आ जाना है, जितना बड़ा आप वीडियो लेना चाहें उतना ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो लेके बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से जितनी ले ली गई है, अब आपको सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आपने ऊपर लिया है उस पर क्लिक करना है और थोड़े से नीचे आ जाना है दोस्तों। जैसे ही आप थोड़े से नीचे आएंगे तो जो क्रोमा की के नीचे जो मैजिक रिमूवर का ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रोमा की नहीं करना है, मैजिक रिमूवर का जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आपको ओके करेंगे तो जे प्लीज़ डोंट क्लोज काइन मास्टर, टर्न ऑफ योर डिवाइस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको एक बार एक एक स्टेप बताऊँगा। थोड़ी ही देर में जो जल्दी ही ये स्क्रीन की जो लाइन है ये फुल हो जाएगी और आपका जो कट के तैयार हो जाएगा क्रोमा की। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा, स्पीड भी नहीं बढ़ा रहा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक एक चीज़ को आप क्लियर समझ पाएँ, क्लियर अपने जहन में बिठा लीजिए। बस ये होने ही वाला है दोस्तों,
तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही कंप्लीट का ऑप्शन आ चुका है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने मैंने करके बताया है, ये मेरी जो स्क्रीन है रिमूव हो चुकी है। अब मैं आपको इसको प्ले करके भी बता देता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इजीली ग्रीन स्क्रीन भी हो रहा है और कहीं इसमें बैकग्राउंड नहीं है, और आप जितने चाहे बैकग्राउंड जैसे कि यहां से बदल सकते हैं दोस्तों। इसमें आप है ना बड़े ऑप्शन आ जाते हैं, आप जितने चाहे भी ऑप्शन से बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, आप रिप्लेस पे जाएंगे तो आप रिप्लेस पे जाने के बाद आप किसी भी प्रकार का कुछ भी बैकग्राउंड और बदल सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो मैंने जे ले लिया, जे बदल दिया। तो रिप्लेस पे जाने के बाद आप और बैकग्राउंड जो चाहें वो बैकग्राउंड अपने इस वीडियो में पिक्चर क्वालिटी में कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ा ही आसानी से मैंने बताया, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन जो पूरी आप पीछे का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर या लोग कहते हैं कि पीछे हमको ग्रीन पर्दा चाहिए, ग्रीन कर्टेन होना चाहिए, ब्लैक कर्टेन होना चाहिए, उन सब की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि जे मैंने आपको बताया, आप कहीं भी खड़े हों, एनीवे कहीं भी हों, आपका वीडियो क्रोमा की जैसा पीछे का कट जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ और आपका एक पैसा भी मैं नहीं लगने दूंगा और YouTube पे आपको ग्रो करा के मैं ही दम लूँगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।